सत श्री अकाल बच्चों, आज आप रीजनिंग दे विच गल करांगे सरल रेखावां दी गिनती पता करांगे बेटा, काउंटिंग फिगर्स पार्ट फोर करांगे आपां। पार्ट तीन तक आपां कर ले सी, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, काउंटिंग ऑफ स्क्वेयर्स एंड काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। अज बेटा आपां गल करांगे काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइनस, सीधियां रेखावां दी गिनती पता करनी कई बार तुहानू पेपर दे विच पुछ भी सकते हैं। ठीक है बेटा, करिए स्टार्ट। तो फस्ट ऑफ आल आपू लाइन या रेखा बारे पता होना चाहिए, आप पढ़ते ही हाँ छोटिया जमातों की होंगी है बेटा लाइन या रेखा की होंगी है। रेखा एक रेखा चौड़ाई रहत लंबाई होंगी है, रेखा दोनों पासों तो वही है। एवें आप रेखा डोनेट करते हैं, डोनेट नोटेशन, ठीक है। दोनों पासे तो रेखा बढ़ती है, यदि कोई चौड़ाई नहीं होंगी, यदि लंबाई लंबाई होंगी है, इस करके आप वन डिमेंशन भी बोलते हैं, एक पसारी। ठीक है बेटा, ये सी रेखा रेखा बारे। अगे किरती दे विच आपां रेखावां दी गिनती पता करनी होंगी है, तो इसलिए मैं तुहाडे लिए पॉइंट नोट करनू है, किसी भी किरती विच सीधियां रेखावां दी गिनती करन तो भाव उस किरती विच मौजूद रेखाखंडा दी गिनती करना हुंदा। रेखाखंड भी बड़े तो बड़े, ठीक है, जिहड़े बन अगर छोटा बन गया उहदे विच तो आपां काउंट नहीं करना, वह वड्डे दे विच ही काउंट होएगा। ठीक है, तो आपां रेखाखंड गिनने होणगे। ठीक है बेटा, अगे देखो इंपोर्टेंट पॉइंट टू अनदर पॉइंट टू नोट, किसी भी किरती विच मौजूद सीधियां रेखावां दी गिनती बराबर लंबात्मक कॉलमां दी गिनती, कतेजी कतारां दी गिनती, टेढ़ियां रेखावां दी गिनती। ये तीन प्रकार दी रेखावां आपां हर बार कढ़िया करांगे, लंबे लोट जिन्हां ने, ठीक है, कतेजी कतारां दी गिनती उन्हां दा जोड़, टेढ़ियां ने जिहड़ियां उन्हां दी गिनती दा जोड़। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू हॉरीजोंटल लाइनस किन्नियां ने, मतलब इस दिशा वल किन्नियां ने, वर्टिकल लाइन मतलब एवें किन्नियां ने। ठीक है बेटा, तो स्लेंट लाइन मतलब टेढ़ियां किन्नियां ने, तो टेढ़ियां भी आपां काउंट करांगे। ठीक है, तो इन्हां सारा दा सम कर देंगे, जोड़ कर देंगे, अपने को टोटल स्ट्रेट लाइन की गिनती आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो फिर करिए स्टार्ट फर्स्ट किरती तो। चलो देखो फिर इस एक किरती दे विच आपां दसना भी किन्नियां सीधियां रेखावां हन। सीधियां रेखावां मतलब मैं तुहानूं पहले ही दसता भी आपां रेखाखंडां की गिनती दसनी है किन्ने ने, भी तीन ने, एक, ठीक है, दो, एक, तीन, तीन हो गई ना बेटा, तीन हो गई ये, एक दो तीन, ये तो सौखा ही सी। इहदे विच किन्नियां रेखावां ने सीधियां तीन, उदू अगे इहदे विच सीधियां जां टेढ़ियां करन दी लोड़ नहीं सी, जिवें आपां उस तरीके नाल देख लें। हॉरीजोंटल किन्नियां ने, एक है, ठीक है, वर्टिकल भी एक है, तो टेढ़ी रेखा भी सलेंट लाइनस भी एक है, तो टोटल किन्नियां ने तीन। उदू अगली किरती दे विच हॉरीजोंटल देखो ये किनिया ने, इस किरती हॉरीजोंटल किनिया भी दो, ठीक है, वर्टिकल किनिया ने, वर्टिकल किनिया ने, एक दो वर्टिकल ने, होर टेढ़ी रेखा कोई स्लेंट लाइनस है नहीं, तो दोनों का जोड़ कर दो, सम कर दो, टोटल रेखावां ये किनिया ने सीधिया रेखावां चार हैं। ठीक है बेटा, अगली किरती देख लें, ये देखो फिर सीधियां रेखा हॉरीजोंटल किनिया ने, ठीक है, कतीजी एक दो तीन चार किनिया ने बेटा, चार ने, वर्टिकल किनिया ने, एक दो वर्टिकल ने, ठीक है, मतलब किनिया ने टोटल ये सीधियां रेखावां स्ट्रेट लाइनस किनिया ने, छे हैं। ठीक है बेटा, आपां होर क्वेश्चन करते हैं, स्ट्रेट लाइन की गिनती पता करो, कहते गिनती पता करना, ये भी देखते आप कि एक दो, मतलब हॉरीजोंटल ने जड़िया ये कि दो ने, ठीक है, वर्टिकल देखो फिर एक दो तीन चार एक पाँच, वर्टिकल कि बेटा पाँच, पूरी किरती पूरी होगी ना, तो टेढ़ी रेखा कोई है नहीं, तो टोटल किनिया ने ये सत्त सीधियां रेखावां ये हैं।
उदू अगली डायग्राम देखो, पहला आप हॉरिजॉन्टल देखेंगे एच किनिया ने, एक दो तीन चार, टोटल किनिया ने भाई चार। वर्टिकल देखो लंबे लोड किनिया ने, एक दो तीन चार पाँच ते छे, वर्टिकल किनिया ने खड़वे लोड किनिया ने बेटा छे ने, तो टोटल ये सीधिया रेखा कि दस हैं। ठीक है जी, उदू अगला क्वेश्चन देखो, ये आप हॉरिजॉन्टल देखते हैं किनिया ने, एक दो तीन चार पाँच, पाँच की ने हॉरिजॉन्टल ने। वर्टिकल देखो एक दो, वर्टिकल खड़मे लो किनिया ने दो ने। टेढ़िया देखो, टेढ़िया भी ने ये एक दो, दो टेढ़िया आ गई, स्लेंट लाइन्स भी ने किनिया ने बेटा दो ने। ठीक है देखो, और तो नहीं कोई रहा, नहीं रहा, पूरी फिगर पूरी होगी, जोड़ दो पाँच ते दो सत्त ते दो नौ, तो इस फिगर दे विच किनिया ने रेखावां नौ सीधिया रेखावां हन। उदू अगली डायग्राम नू देखो ध्यान नाल, काफ़ी कंप्लीकेट डायग्राम लग रही है, पर जे तुसी थोड़ा जिहा वे नाल करोगे, तकनीक नाल करोगे, फिर सिंपल है। ठीक है, पहला आप हॉरीजेंटल काउंट करांगे, एच किनिया ने एक दो तीन, किनिया ने हॉरीजेंटल भी तीन ने। ठीक है, वर्टिकल देखो, वर्टिकल काउंट करो किनिया ने एक दो, वर्टिकल किनिया ने दो ने। उदू के किड़िया बचिया टेढ़िया स्लेंट लाइन्स, एक दो तीन चार, ठीक है पाँच छे, और तो नहीं कोई बची, पूरी फिगर ढकी गई ना, तो जिहड़ियां स्लेंट लाइन्स ने वह किनिया ने अपने को छे, जोड़ कर दो छे ते दो अठ ते तीन ग्यारह, इस टोटल फिगर दे विच सीधिया रेखावां हन। उदू अगे क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस वास्ते, इस किरती विच सीधिया रेखावां दी गिणती पता करो। ठीक है, देखते हैं आपां उही वे, उही पहला आपां हॉरीजॉन्टल देखांगे, एक दो किन्नी हॉरीजॉन्टल भी दो। ठीक है, हुण आपां की देखिए वर्टिकल, वर्टिकल देखो एक दो तीन चार, वर्टिकल किनिया ने, वर्टिकल चार ने। टेढ़िया रेखावां देखो, एक दो तीन चार पाँच छे, स्ट्रेट लाइन्स किनिया ने बेटा छे ने, जोड़ कर दो छे ते चार दस ते दो बारह, बारह सीधिया रेखावां इस फिगर दे विच हन, इस डायग्राम दे विच। अगे अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, सीधिया रेखावां की गिनती आप दसनी भी कि है। ठीक है, देखो हॉरिजॉन्टल देखांगे पहले तो, ठीक है एक दो तीन चार, हॉरिजॉन्टल कि ने चार ने। इतने मैं थोड़ा एक नोट करने वास्ते पॉइंट दिना भी आह इन्नी का जी काउंट नहीं हो। ठीक है, भी जो तुम करी जाओ भी आ भी एक स्ट्रेट लाइन है, देखो भी आह इन्नी ये ही आ गई। ठीक है, यह इस पूरी दे आ गई, मतलब टुकड़ा जोड़ा है वह पूरी दे गिने जाऊगा, ये तुम्हें ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो अपने को कितनी हो गई हॉरिजॉन्टल चार हो गई, वर्टिकल देखो, वर्टिकल एक दो तीन चार, वर्टिकल भी किन्नी हो गई अपने को चार हो गई। स्लेंट लाइन्स टेढ़िया रेखावां देखो किन्नियां ने, एक दो तीन चार, चार ही स्लेंट लाइन्स ने, सात चार अठ चार बारह, तो ये जी सही ऑप्शन आऊगी वह बारह
सीधिया रेखावां इहदे विच हन। किहड़ी ऑप्शन आएगी बेटा? पहली ऑप्शन इहदे लई सही बनूगी। अगला, सीधिया रेखावां की गिनती पता करो। इहदे विच भी सेम पैटर्न, पहला आपां होरीजोंटल देखांगे, लेटवीं रेखावां एक दो तीन चार पाँच छे सत्त, ओरिजेंटल कितनी आ गई बेटा? सत्त आ गई। ठीक है, इस गल का पूरा ख्याल रखना, कोई भी लाइन रहे ना, पूरी फिगर जब तुम बनाओगे ना पूरी फिगर बनूगी, ठीक है, कोई लाइन रहूगी नहीं, तो यह ओरिजेंटल सत्त ने। वर्टिकल देखो, खड़मिया रेखावां कितनी ने? एक दो तीन चार पाँच छे, वर्टिकल कितनी है बेटा? छे ने। उदू अगे देखो, टेढ़िया एक दो, टेढ़िया कितनी ने? दो ही ने। तो स्लेंट लाइन्स कितनी है बेटा? दो। कितनी हो गया जोड़? सत्त छे तेरह, तो दो पंद्रह। कितनी सीधिया रेखावां ने इस डायग्राम के? पंद्रह सीधिया रेखावां हन, पंद्रह तो मिलकर बनी है, तो ये जी सही ऑप्शन है वह कि बनूगी? पंद्रह सीधिया रेखावां बन गई। ठीक है बेटा, पंद्रह। उदू अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आप सीधिया रेखावां की गिनती दसनी है। देखो फिर होरीजोंटल देखो, पहला तो होरीजोंटल देखो कि बेटा एक है, होरीजोंटल कि एक है। वर्टिकल कि खड़मिया रेखावां एक दो तीन, वर्टिकल कि तीन ने। हूँ आप देखनी है बेटा, टेढ़िया एक दो, ठीक है, तीन चार पाँच एक छे, स्लेंट लाइन्स कि छे ने। तो कि बन गया भी टोटल? छे तो तीन, नौ तो एक, दस इस डायग्राम के सीधिया रेखावां हन। ठीक है बेटा, ये सही ऑप्शन कि आऊगी? डी ऑप्शन दस आऊगी। उदू अगला क्वेश्चन, सीधिया रेखावां की गिनती दसो। ये भी आप सीधिया रेखावां की गिनती दसनी है, तुम ध्यान इनू सुनना है। देखो फिर अगली, पहला आप होरीजोंटल देखा, लेटवीं रेखावां एक दो तीन चार पाँच छे एक सत्त, होरीजोंटल कि आ गई ये बेटा? सत्त आ गया। अगे देखो वर्टिकल, खड़मिया एक दो, ठीक है भी, तीन चार पाँच एक छे, ठीक है, ये सीगियां अपन खड़मिया वर्टिकल। उदू बाद आप कड़िया देखनिया बेटा, टेढ़िया रेखावां टेढ़िया देखो कि ने, है कोई टेढ़ी अपनी फिगर दे विच? कोई है टेढ़ी? फिगर पूरी तरह कंप्लीट होगी ना, कोई भी टेढ़ी रेखा नहीं है, तो यही ने बस। टोटल कितनी बन गई है? सत्त छे तेरह, पहली ऑप्शन ये सही बनूगी, तेरह सीधिया रेखावां तो मिल के यह डायग्राम बनी है। उदू अगला क्वेश्चन नंबर छे, इस आकृति बनाने विच लगियां घट तो घट सरल रेखावां की गिनती पता करो। सरल कह दें सीधिया कह दें इको ही मतलब है, ठीक है। होरीजोंटल देखो पहला किनिया बनिया ने, लेटवीं रेखावां एक बनी है, दो बनी है, तो तीन बनी है। देखने को आकृति कंप्लीकेटड है, पर जो आप बनावे कुछ भी नहीं, ठीक है ना, बस एक तुसी तकनीक नाल चलना। लेटवीं रेखावां कि ने? तीन ने। खड़मिया किनिया ने? भी एक दो, ठीक है, तीन चार एक पाँच। वर्टिकल या खड़मिया रेखावां कि ने? भी ये पाँच रेखावां ने, ठीक है। तो आप देखनी टेढ़िया देखो किनिया ने? भी एक दो तीन चार चार पाँच एक छे, पूरी किरती कवर होगी ना बेटा। तो स्लेंट लाइन्स ये कि छे ने।
टेढ़िया तो टोटल कितना बन गया भी 6 ते 5 11 ते 3 14 इस किरती दे विच 14 स्ट्रेट लाइनज ने 14 तो मिलके 14 सरल रेखावां तो मिलके यह किरती बनी है। तो ये सही ऑप्शन कितनी आऊगी 14 आएगी। ठीक है बेटा अगे ये तुहाडे पेपर के क्वेश्चन कढ़े हुए ने जिहड़े काउंटिंग ऑफ फिगर्स के आए हुए हैं। ठीक है बेटा इस किरती विच दिते गए चित्र विच किन्ने वर्ग हन, चलो आप देखते हैं फिर किन्ने वर्ग है। आपां नूं तरीका पता है तो आप पहला गिनती लिख दें ये जे किसी ने नहीं देखी तो काउंटिंग ऑफ स्केयर्स पार्ट रीजनिंग देख ले 6 7 8 इधरले पासे भी 2 3 4 किहड़ा भी इधर 8 है इधर 4। ठीक है पहला तो वड्डे नूं उधरों वड्डे नाल गुणा करनी आपां ने 8 × 4 फिर आपां घटाउंदे जावांगे मतलब 7 × 3 6 × 2 5 × 1 बस एक तक करना 8 × 4 = 32 7 × 21 6 × 2 = 12 5 × 5 जोड़ कर देंगे जो यदा आप कि बन जाएगा बेटा 70 यदा जोड़ कि बन जूगा 70 जोड़ लोगे तुसी यदा जोड़ कि बन जाएगा 70 तो इस पूरी आकृति दे विच किन्ने वर्ग हैं 70 वर्ग हैं। ठीक है बेटा तो ये सही ऑप्शन है जी कि आऊगी 34 70। अगला क्वेश्चन देखो बेटा दिते गए चित्र विच किन्नियां तिकोणां अते समांतर चतुर्भुजां हन, ये भी तुहानूं पिछले पेपर दे विच आया होया सी। देखो पहला आपां देखदे हां इहदे विच समांतर चतुर्भुज किन्ने हन। ठीक है बेटा इस फिगर नूं तुसीं ध्यान नाल समझना देखो माड़ा जिहा पहला एक प्लस वाली किरती दिस रही आपां नूं इहदे विच। ठीक है इहदे विच किन्ने आयत हुंदे ने क्योंकि वर्ग तां आपां गिणने नहीं आपां आयत ही गिण लांगे समांतर चतुर्भुज दे विच ही आउंदे आयत भी वर्ग घट हुंदे ना गिनती च किन्ने आयत हुंदे बेटा इहदे विच 9 हुंदे आ ते 9 ही समांतर चतुर्भुज होणगे। ठीक है होर देखो किहड़े ने ठीक है होर देखो साइड ते देखो इधर इस किरती दे विच किन्ने ने समांतर चतुर्भुज 3 ने 2 तां विच ही हो गए एक इन्हां दोवां तों मिला के बन जूगा। ठीक है 2 तां विच हो गए एक इन्हां दोवां तों मिला के बन जू मतलब किन्ने ने 3। ठीक है होर दूजे पासे भी सेम फिगर बनी हुई है। ठीक है बेटा ये वाली तो ये भी किन्ने ने 3 ने 2 इन्हां यही बन जाएंगे एक इन्हां तों मिला के बनू और देखो किहड़ा है ठीक है मैं दोबारा लिख दिना 3। ठीक है ये तो समझ ला गई ना 3 उदू अगे होर किहड़े ने एक इत्थों लैके इत्थों तक बनता एक। ठीक है तो एक बनता इत्थे तक 2 ये बनते हैं। ठीक है 2 ये जुड़न गए मतलब देखो किन्ने हो गए टोटल ये 9 ते 3 12 ते 3 15 ते 2 17 मतलब इस किरती दे विच जिहड़े समांतर चतुर्भुज ने वह किन्ने ने 17 ने। क्लीयर है पहला तो प्लस वाली डायग्राम की गल की उहदे विच 9 आयत होंदे ने समांतर चतुर्भुज आयत। ठीक है आयत भी समांतर चतुर्भुज होंदे ने। ठीक है बेटा उदों के साइडां ते देखिया आपां ये वाले ये 3 3 हो गए सी ते फिर एक ये रह गया सी। ठीक है ये 2 ये हो गए तो टोटल किन्ने हो गए इहदे विच 17 हो गए। ठीक है बेटा तो अगे देखो होर किहड़े ने होर आपां की गिणनी इहदे विच तिकोणा तिकोणा आपां नीचे तो शुरू करते हैं। देखो ध्यान नाल इत्थों जिहड़ी मैं तुहानूं तिकोणा दे विच गल दसी सी मैं यूज़ किवें करनी वह दस रहा अज्ज। इस दे विच किन्ने ने सामने शिखर तो वंड होई आ किन्नियां तिकोणा ने 3। ठीक है बेटा 3 तिकोणा ने इहदे विच उदू अगे होर देखो कित्थे एक ए वाली ये भी सामने शिखर तो वंड हो रही है इहदे विच भी किन्नियां फिर 3। ठीक है उदू अगली डायग्राम अगली त्रिभुज देखो ए इस ठीक है
इस दे विच भी सामने शिखर तो बंड हुंदी है ते इहदे विच भी किन्नियां ने तीन ने ठीक है। उदू अगली डायग्राम च देखिए जी आपां इहदे विच त्रिभुज बनदी है एक छोटी उहदे विच भी किन्ने त्रिभुज होणगे तीन होणगे। एक लास्ट दे त्रिभुज बनदी है उहनूं भी देख लो ठीक है ए वाली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਿੰਨ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰੱਖੂੰ ਤਿੰਨ ਛੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨੌ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ 15 ਐਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਐਤ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ 15 ਅਤੇ 16 ਠੀਕ ਹੈ 17 ਅਤੇ ਇੱਕ 18 ਅਤੇ ਇੱਕ 19 ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 4 ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 4 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ 5 3 ਅਤੇ 3 6 ਅਤੇ 3 9 ਅਤੇ 3 15 ਅਤੇ 3 18 ਅਤੇ 4 ਠੀਕ ਹੈ 3 6 ਅਤੇ 3 9 ਅਤੇ 3 12 ਅਤੇ 3 15 ਹੋ ਗਏ ਸੋਰੀ 15 ਅਤੇ 4 19 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਸੀ ਦੋ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 21 ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੇ ਅਤੇ 17 ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹਨ ਕੀ ਆਊ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਬਣੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਬਣੂਗੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। 29ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਹਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਨੇ ਚਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਸ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ 4 ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ 4 ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖੋ 5 6 ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਆ ਇੱਕ ਇਹ ਪਿਆ 7 ਕੁੱਲ ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਹਨ 7 ਵਰਗ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹਨ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਣੇ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਆਇਤਾਕਾਰ ਦੱਸਣੇ ਇਕੱਲੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਗਿਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਰਗ ਤਾਂ ਗਿਣਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵੀ ਦੋ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਅਲੱਗ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਣੂਗਾ ਤਿੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੂਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਐਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਠੀਕ ਹੈ 4 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਐਤ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਐਤ ਹੋ ਗਏ 5 ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਤ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 5 ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ 5 ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਹਨ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 ਮਤਲਬ 4 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੁੱਲ ਐਤ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬਣਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 8 ਐਤ ਬਣਨਗੇ ਐਤ ਆ ਗਏ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਨਗੇ ਠੀਕ ਸੋਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਮਤਲਬ 32 ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ 8 6 32 ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਣਨਗੇ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ
एक ए बनूगा, दो दो ए होर बन गए, ठीक है। होर देख रहे हैं आप कि बनूगा, और देखो एक ए बनूगा इस साइड पर, इधरों भी दो ए होर बन गए, ठीक है। और देखो कि बन गए, हाँ बनूगा एक, ठीक है। एक दूजे पास बनूगा दो, ते दो ए बन गए, ठीक है जी। एक बड़े वाला बनूगा, ठीक है। पहला वाली गिनती ध्यान च रखो, 32 पहला बन गए सी, ठीक है। 32 के बाद एक दो आ बन गए दो, ठीक है। उदू बाद दोबारा बना रहे हैं, एक दो आ बन गए सी, ठीक है जी। उदू बाद साइड वाते इधरले पासों एक, इधरले पासों दो ए बन गए सी, ठीक है। होर भी रह गया, ये तो दो दो वाले बने, एक तीन वाला रहिंदा, वो देखो किहड़ा, देखो इधर आ वाला पूरा, ठीक है। एक ए बन गया, गिन लो किन्ने हो गए, 32 34 36 38 ते 39। इस किरती दे विच कुल 39 त्रिभुज हन, ठीक है बेटा। ये फार्मूला आपां कीता सी त्रिभुजां दी संख्या पता करन दे लई, आपां उदों कीता सी, तुसीं याद कर लिया होना, देखिया होना। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਰ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 8 ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹਨ, 39 ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਫ ਫਿਗਰ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। थैंक यू बेटा।